नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे पावर सप्लाई के बारे में। अब यहाँ से हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। ये जैसे यहाँ पे हमारा डीसी सप्लाई बना, तो अब यहाँ डीसी सप्लाई बनने के बाद इसको बूस्टिंग के लिए एक कैपेसिटर लगा। अब ये कैपेसिटर जो है यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव यहाँ पे आया। अब इसके बाद आज हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक की जो सप्लाई तक है हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में बना चुके हैं, यानी इसके पहले वाले में। और अब यहाँ पे हम इसके स्विचिंग के बारे में बताएंगे, यानी इस ट्रांजिस्टर के ड्राइव के बारे में। तो आज हम यहाँ पे ड्राइव का स्टार्ट करते हैं सेक्शन, जो कि ट्रांजिस्टर से होगा। इसके बाद मॉस्फेट पे होगा, आईजीबीटी पे होगा, एसटीआर पे होगा, लेकिन स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर से। अब देखिए ट्रांजिस्टर क्या है। जैसे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको हम दो डायोड की तरह यूज करते हैं। ये हो गया हमारा एमीटर और ये हो गया कलेक्टर। अब डायोड को बनाने का कारण ये है कि जैसे इस तरीके से आप देखिए कि कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर है, तो आप जब उसकी रीडिंग लेते हैं मल्टीमीटर से, तो एक डायोड की तरह ही दिखता है। तो ये हो गया एक डायोड, और फिर यहाँ पे ये हो गया एक डायोड, और बीच में इस तरीके से ये हो गया इसका बेस, और ये हो गया कलेक्टर, और ये हो गया एमीटर, और ये ट्रांजिस्टर हो गया एनपीएन। अब यहाँ पे एनपीएन मतलब हुआ कि हमेशा कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये हो गया एन, और एनोड होता है इसकी फॉरवर्ड बायसिंग पॉजिटिव, ये हो गया पी, तो एन पी। और यहाँ पे भी ये जो है नोड जुड़ा है, यहाँ भी पी होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे, तो यानी एन पी एन, ये हो गया ट्रांजिस्टर। अब इसको हम बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब आप ध्यान दें यहाँ पे, जैसे ये बेस है और ये एमीटर है और ये कलेक्टर है, और कलेक्टर पे ये सप्लाई पॉजिटिव की यहाँ इस टर्न के द्वारा इस एमपीएस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से होता हुआ इस पॉइंट पे आएगा, जहाँ पे कोई भी ट्रांजिस्टर जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर होता है उसका कलेक्टर यहाँ पे जुड़ा होता है। हम यहाँ इस डायोड का कैथोड जोड़ते हैं और यहाँ निगेटिव पर भी कैथोड जोड़ते हैं। अब बीच में बचता है दोनों का एनोड। अब आप देखिए यहाँ से ये निगेटिव चला, तो यहाँ पे नेगेटिव इसकी फॉरवर्ड बायसिंग है, नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आया और पॉजिटिव यहाँ पे पहुँचा कैथोड पे। अब कैथोड का ये पॉजिटिव यानी प्लस वाली सप्लाई इसके यहाँ पे जो है इन नहीं होगी, यानी कैथोड से एनोड पे नहीं जाएगी। कब तक नहीं जाएगा? जब तक यहाँ पर इसकी फॉरवर्ड बायसिंग नहीं मिलेगी, यानी ये जो है एनोड, ये इसकी फॉरवर्ड बायसिंग हो गई पॉजिटिव। आप ज़रा सा भी पॉजिटिव अगर यहाँ पे इन करते हैं तो तुरंत ही इसका रास्ता यहाँ पे खुल जाता है, यानी इसका गेट ओपन हो जाता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर या डायोड ये एक सेमीकंडक्टर है, यानी अर्धचालक है। ये अपनी अवस्था में जब ये फंक्शन करते हैं, यानी जब इनको इनके हिसाब से पल्स या वोल्टेज दिया जाता है, तभी वो वर्क करते हैं, नहीं तो ये अपना जो है अर्धचालक के रूप में रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव हम देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ट्रिगर वोल्टेज या स्टार्टिंग वोल्टेज, इस तरीके से आप देखते होंगे शुरू शुरू में, ये ऐसे यहाँ पे कहीं कहीं दो रेजिस्टेंस, कहीं कहीं तीन रेजिस्टेंस,
इस तरीके से लगे होते हैं। ये होता है इसका बेस, और ये क्या काम करता है, ये स्टार्टिंग का काम करता है। जैसे इसमें बहुत मिली वोल्ट का जो है वोल्टेज यहाँ पे जैसे रन हुआ, तो तुरंत क्या हुआ कि इसमें जो पॉजिटिव सप्लाई आई तो तुरंत ये कंडक्शन का काम करता है। तुरंत इसमें जैसे एक झटके में कोई ट्रिगर मिला इसको, तो ट्रिगर मिलते ही इसके जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ट्रांसफ़र हुआ। तो इसमें जो यहाँ पे एक वाइंडिंग होती है जिसे फीडबैक कहा जाता है, ये ऑक्सिलरी सप्लाई का भी काम करता है। आगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा हम आपको क्लियर करते जाएंगे, तो इसमें भी वोल्टेज इंक्लूड हो जाते हैं। और यही वोल्टेज जो ड्राइवर सेक्शन होता है यानी PWM, जैसे पल्स विद मॉड्यूलेशन, अभी हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। अब यहाँ पे ये स्टार्ट होने के बाद जो नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी होती है वो होती है ड्राइवर सेक्शन। अब ड्राइवर सेक्शन में कैसे कैसे कंट्रोलिंग होती है, कैसे कैसे इसको पल्स मिलते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं PWM के बारे में। अब जो नेक्स्ट होगा, यानी ये तो स्टार्ट करने का काम किया, यानी एक स्टार्टिंग सप्लाई हुई या ट्रिगर सप्लाई, जो कुछ आप इसे कह लें, इसके बेस पे एक ट्रिगर यानी फर्स्ट स्टार्टिंग यहीं से होती है। और ये जैसे जैसे हमारा आगे ये टॉपिक बढ़ता जाएगा, यानी जैसे अगर ये MOSFET और IGBT, अब वहाँ पे इसका जो एक फंडा होगा वो अलग होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो अलग सप्लाई है, MOSFET को ऑन होने के लिए वो अलग है, वो हम आपको टॉपिक के अनुसार बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक पल्स जो होता है जिसके अनुसार इसको जो है, सबसे पहले हम आपको पल्स के बारे में बताते हैं। जैसे ये हो गया बेस, अब इसका जो ड्राइव होगा, क्योंकि आप पहले इसको समझेंगे तभी आपको आगे कुछ समझ में आएगा, शुरू शुरू में प्रॉब्लम होगी समझने में, क्योंकि एक यहाँ पे ऑन और ऑफ, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांजिस्टर ये स्विचिंग का काम करता है, और सेमीकंडक्टर होने के कारण इसको इसी के अनुसार ही इसको काम करना है, यानी इसकी जो भी वर्किंग होगी इसके अनुसार होगी। अब पल्स में क्या है कि पल्स ये एक सीधा है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई वोल्टेज है, और ये वोल्टेज जो है हम 5 वोल्ट लेते हैं। अब ये 5 वोल्ट हम ड्राइव करने के लिए यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 5 वोल्ट, ये ऊंचाई जो है ये वोल्टेज हो गई। अब यहाँ पे ये जो है ये हो गया टाइम, यानी ये वोल्टेज है और ये टाइम है। अब यहाँ पे जब हम ऑन ऑफ करते हैं तो ये पल्स पे डिपेंड करता है कि इसको कितने देर ऑन करना है, कितने देर ऑफ करना है, यानी जितने देर ऑन रहेगा उतने देर इसकी कंडक्शन यानी पॉजिटिव का नेगेटिव से होगा, और ऑन जितने टाइम होगा यानी ड्यूटी साइकिल ऑन का जो पोजीशन होगा, अगर जितने डिले होगी तो उतना ये हीटिंग कम होगा, और जितना ये जो है लॉन्ग टाइम यहाँ पे ऑन रहेगा उतनी इसकी हीटिंग बढ़ जाएगी। तो यानी डिले का मतलब हुआ कि इसमें टाइम स्पेस। अब टाइम स्पेस क्या है कि ये जो है मान लीजिए कि ये 5 वोल्ट है, अब यहाँ पे हमको कुछ सेकंड के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ इसका टाइम ले लिया गया, उसी के हिसाब से यहाँ पे मान लीजिए हम इतने देर बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से इतने देर के लिए, मान लीजिए इतने देर के लिए या इतने देर के लिए, जहाँ पर आप चाहें उसी के अनुसार। अब जितने देर के लिए यहाँ पे हम इतने टाइम है, ये इतने टाइम का ये वोल्टेज हम लेंगे। अब ये वोल्टेज अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऐसे और ऐसे,
अब ये लाइन जो गई है ये टाइम है, लेकिन ये जो आपका है ये वोल्टेज है। अब बता रहा है कि ये वोल्टेज आपका, ये वोल्टेज इतने टाइम तक इसको ऑन रखेगा, इस ट्रांजिस्टर को, और ऑन रखेगा तो ये पॉजिटिव इससे ग्राउंड से ये कनेक्ट करेगी, फिर उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा, यानी फिर यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई हट जाएगी, फिर ये जो है बंद हो जाएगा, यानी ये ऑन ऑफ इसी तरीके से ये अपना फंक्शन काम करेगा। अब पल्स को समझने के लिए सबसे पहले बहुत आसान तरीका ये है कि पल्स को आपको समझाने का मतलब ये हुआ कि जब आप ये सोचते हैं कि पल्स मतलब ये हमारा ये नहीं है, ये पल्स नहीं है, यहाँ पे हमारे कहने का मतलब ये सीधी लाइन है और पल्स जो उठते हैं इस पर तो ये इस तरीके से, कम या अधिक, यानी ये नीचे नहीं जाएगा ऐसे। अब आपको दूसरा मेथड बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये हमारा जिसे नब्ज है, ये नस, जब यहाँ पे डॉक्टर जब कोई पल्स देखते हैं इस तरीके से, तो इस पल्स को आप देखेंगे एक बार ऊपर उठेगा फिर डाउन होगा, ऊपर उठेगा डाउन होगा, यानी नीचे की तरफ नहीं जाएगा, वो केवल अपने जगह से उठता है फिर गिरता है, अपने तरफ से उठता है फिर गिरता है। इसी तरीके से ये पल्स की काउंटिंग होती है और इसी से पूरे सिस्टम को देख लिया जाता है बॉडी का, कि हमारा जो है बॉडी का जो पल्स रेट है वो कितना है। तो इसी तरीके से हमको जो रीडिंग इसकी होती है इसके बेस पे ड्राइवर की, तो इसकी ड्यूटी साइकिल जो है इस पे डिपेंड करता है ऑन ऑफ, और इसका जो सारा प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, क्योंकि जो भी इसका आउटपुट है यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये सप्लाई में आपको कहीं से कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है और आप वोल्टेज यहाँ पे टेस्ट आउट करते हैं, कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं है और यहाँ भी कहीं तरीके से ऊपर से आपको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज तब तक नहीं मिलेंगे जब तक इसमें कोई स्विचिंग नहीं होगा। कोई भी सप्लाई आप चेक करेंगे अगर आउटपुट पे देखते हैं, तो अगर इसमें कुछ भी हुआ स्विचिंग तभी आपको आउटपुट इस पर सेकेंडरी पे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले प्राइमरी को चेक करने के लिए हमको इसको ड्राइव देखना पड़ता है पल्स। तो यह आने वाले ये जो टेक्नोलॉजी है या जो टेक्नोलॉजी इस समय है, इस पे बहुत ज़रूरी है माइक्रो वोल्टेज की ट्रेस आउट करना, और माइक्रो वोल्ट की ट्रेस आउट करने के लिए DSO या मल्टीमीटर से भी होता है, वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बताएंगे। लेकिन फिलहाल इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक पल्स रेट और इसकी फ्रिक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल, जैसे जैसे इसमें अभी मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने के लिए, लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका है, हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बताते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।